नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैंने कुछ मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा था, उसी से मोइस्टिक बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे बाज़ार से लेने जाओ तो आपको 150 से 200 रुपये तक की मोइस्टिक मिलती है, ये हमारी फ्री की बन जाएगी। मेरे पास ये प्लास्टिक की जाली पड़ी है, ये ट्यूबलाइट की डंडी ऐसे ही पड़ी थी, तो ये प्लास्टिक की जाली में हम पैकिंग में यूज़ करते हैं। ऐसा ये पानी भी उसमें निकल सके और हवा भी पास हो सके, ऐसा मटेरियल है। तो उसी को मैं कवर करके उसमें, ये मेरे पास नारियल के छिलके पड़े थे तो उसी में मैं भर दूँगी, और उसके साथ मेरे पास गार्डन के जो सूखे पत्ते हैं वो उसमें लगा दूँगी। गार्डन के सूखे पत्ते जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो खाद का काम भी करेगा। और ये मोइस्टिक में मनी प्लांट का जो प्लांट मैंने ग्रो किया है उसी में मैं लगाऊंगी। ये मोइस्टिक यूज़ करने से हमारे प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। ये मैंने दूरी से टाइट राउंड शेप देके बांध लिया है ताकि उसमें जो मटेरियल भरा है वो बाहर ना आ सके, अच्छी तरह टाइट बांध लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने ये मनी प्लांट बड़ी पत्तियों वाला लगाया है, ये उसमें स्प्राउट भी बहुत अच्छी तरह निकल आया है। तो साइड में उसकी मिट्टी निकाल के यहाँ पे मैं ये डंडी फिक्स कर दूँगी, नीचे तक लेके जाऊँगी ताकि ये मोइस्टिक है वो निकल ना जाए, और उसमें अच्छी तरह मिट्टी भर दूंगी। मिट्टी अच्छी तरह भरने से ये अच्छी तरह फिक्स हो जाएगी। दोस्तों जब भी हम पानी देते हैं तो मोइस्टिक को भी गीला करना है ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है, जो मनी प्लांट में एरियल रूट निकलेगा वो ले सकता है, और एरियल रूट इसके अंदर चले जाएंगे तो उसी में से ये मॉइस्चर पानी भी लेगा और पत्तियाँ भी डाली है, इसके कारण जो उसमें खाद बनेगा वो भी लेगा और इसी से हमारा मनी प्लांट बहुत अच्छी तरह बड़ी पत्तियों में ग्रो करेगा। दोस्तों इसी तरह आप भी फ्री का मॉइस्टिक बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये कुछ कटिंग्स लगाई है जो पानी में पहले मैं थोड़े दिन रखूँगी, उसके बाद मैं इसको ग्रो करूँगी तो बहुत अच्छी तरह ये ग्रो हो जाएंगी। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।